सभी यहाँ उपस्थित आए हुए हमारे पार्षदगण, हमारे चुने हुए तो है पर साथ साथ उनके साथ जो आए हैं जो चुनाव लड़े, आप सब चुनाव लड़े, आप कांग्रेस का झंडे के नीचे चुनाव लड़े। और जब आपने कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में उठाया, उस झंडे का क्या मतलब है? वो झंडा हमारे कांग्रेस की संस्कृति का प्रतीक है, वो झंडा हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। ये झंडा लेके आप आम जनता के बीच में गए और यही आज आपको मैं बधाई देता हूं। केवल जो जीते उन्हें नहीं, पर जो लड़े, जो चुनाव लड़े, उनमें हिम्मत थी आम जनता के बीच में जाने की, आम जनता की सेवा करने की उनकी मंशा थी, इसलिए मैंने उनको भी आमंत्रित किया। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये एक अग्नि परीक्षा थी, बहुत आप कठिन चुनाव को पार करके आए। ये चुनाव तो रिहर्सल था, रिहर्सल, और रिहर्सल में बहुत कुछ सीखा जाता है। तो हमने क्या सबक सीखा, क्या सबक हमने सीखा, आपने सीखा, क्या सबक कांग्रेस के नेताओं ने सीखा, क्या सबक हमारे संगठन ने सीखा, इस पर भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं 42 साल से चुनाव लड़ता हूं, कितना परिवर्तन हुआ है। पहले आप एक मकान में जाके कह सकते थे कि यह मकान कांग्रेस का है, कांग्रेस के वोटर है। आज बाप बेटा, भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग वोट डालेंगे, ये परिवर्तन हुआ है। 25% लोग सोशल मीडिया में थे, आज 95% सोशल मीडिया में। यह परिवर्तन हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें 23 की तैयारी करनी है तो हमें वो परिवर्तन समझना पड़ेगा, उसे अपनाना पड़ेगा। आज एक गांव हम नहीं कह सकते ये गांव कांग्रेस का है। मुझे वो समय याद है जब हम गांव में जाते थे, कहते ये गांव तो कांग्रेस का है, छोड़े यहां से चले। आज कोई परंपरागत कांग्रेस का नहीं है। हम अगर रिजल्ट देखें इसके, मैंने कुछ बारीकी से देखा, जो बूथ हम हारते थे 30 साल 40 साल से हारते थे, हम कहते थे ये तो बीजेपी का बूथ है, इस दफा जीत गए। कैसे जीते? हमारा एक महापौर नहीं था, 5 जीते आप जानते, 2 से लूटा गया। हमारा उज्जैन और बुरहानपुर लूटा गया, पोस्टल बैलेट में हेरा फेरी, कुछ ना कुछ हेरा फेरी लूटा गया। हम तो 0 पे थे। और इसमें मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे मिले नहीं होंगे। अभी बाबा मिश्रा कह रहा था ये कितने मिनट मुझे मिला था, 4-5 मिनट ही मुझे पहले मिला था। मैंने सबसे जानकारी ली, सबसे जानकारी ली, और जब मैं तो इसे इतना पहचानता भी नहीं था। हमारे रतलाम का जो मेयर का चुनाव लड़े, हम 50,000 वोट से लोकसभा में हारते हैं रतलाम, मुझे कभी मिला नहीं था। जब मेयर की घोषणा हो गई, वो भागा भागा भोपाल आया, कहता है मैं तो आपसे कभी मिला नहीं हूं, आपने मुझे मेयर की टिकट दे दी। मैंने कहा मैं पार्टी के साथ न्याय करता हूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ का सम्मान करता हूं। सतीश शिगरवार टिकट मांगने नहीं आए, महिला सीट थी, मैंने सबसे चर्चा करी थी और सबने मुझे कहा, सबने मुझे कहा कि सतीश शिकरवार की पत्नी को लड़ाइए। मैंने इनको बुलाया और कहा कि आप चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा मैं तो विधानसभा की तैयारी कर रहा हूं। और ग्वालियर जीते। मैं देख रहा हूं अपने कटनी के, कितनी दफे मुझे मिले थे, पूछ लीजिएगा इनसे, मैं तो पहचानता नहीं था। इनको कटनी का टिकट दे दिया। तो आज मेरा ये प्रयास है कि हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो झंडा उठाए हुए, जिसने 15-18 साल झंडा उठाया हुआ है, उसका सम्मान करें।
उसकी बात सुनी जाए। आप जैसे बहुत सब कहेंगे कि मैं समय नहीं देता आपको मिलने का, ये बात सही है। मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं, 26 घंटे नहीं, और कितने सारे व्हाट्सएप आते हैं मुझे, कितने सारे ईमेल आते हैं। ये कोविड की एक बहुत बड़ी बीमारी शुरू हो गई, और अगर मैं पढ़ूँ ना और कूड़े के डिब्बे में फेंक लूँ, ये क्या सही होगा? तो उसके लिए भी मुझे समय है। रोज 100-200 लोगों से मैं मिलता हूँ, उनकी बात सुन लेता हूँ, मैं कहता हूँ नोट करवा देता हूँ, क्योंकि आपके बात में कीमत है, आपके बात में वजन है, और मुझे कोई संकोच कहने में नहीं। ये सब जो यहाँ बैठे हैं ये चुनाव जिताने वाले नहीं है, मेरे सामने जो बैठे हैं वो चुनाव जिताने वाले हैं। ये आपको एक बात, आखिरी 11 महीने बचे हैं चुनाव, 4 साल पहले की राजनीति को छोड़ थी, संगठन में भी बेबात था, गुटबाजी थी, हर परिवार में गुटबाजी होती है, कोई किसी को ज्यादा पसंद करता है, कोई किसी से कम पसंद करता है। पर इससे अगर आप अपने कांग्रेस के प्रति निष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये गुटबाजी याद रखिएगा, 23 को जो हमारी इच्छा है, जो हमारा लक्ष्य है, पूरा नहीं कर पाए। आखिरी 11 महीने में तो आपको हाथ जोड़ने हैं, पैर पकड़ना है। आप कहेंगे इसने मेरा विरोध किया, किया होगा, मैं मानता हूं किया होगा, पर हम सबक कौन सा सिखाना चाहते हैं? हमें तो जिनको जोड़ लेना है जोड़ लेना है, हमें 23 के लिए यह कुर्बानी करनी पड़ेगी, आपको अपना सिर झुकाना पड़ेगा। ये आप अपना लक्ष्य बनाइए, ये बहुत दफा होता है, सब जगह होता है, भाजपा में भी होता है। मुझे याद है भाजपा के पास 25-30 साल पहले बूथ में बैठने का कार्यकर्ता नहीं मिलता था, याद है वो समय? ये शहर से भेजा करते थे लोगों को। जब से ये पंचायती राज शुरू हुआ, ये नगर पालिका के चुनाव हुए, पहला हुआ कांग्रेस का कार्यकाल था, जो जीता कांग्रेस का, जो हारा विरोधी बीजेपी का, बीजेपी को तो बना बनाया संगठन मिल गया। आपको तो खुद देखना कितने प्रतिशत वोट से आप जीते, ये भी मैंने इसका अध्ययन किया है, कितने प्रतिशत वोट से आप जीते, बाकी वोट क्या उनको आप नजरअंदाज कर सकते हैं? कैसे आप उनको समय दें, उनको बीजेपी की तरफ घसीटिए मत, उनको अपने साथ जोड़िए, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। बीजेपी ने संगठन ऐसे बनाया, हम कहते थे ये कांग्रेस का ये है, जो हारता था 70% वोट लेके एक गांव में 30% वोट से सरपंच जीतता है, 6-7 लड़ जाते हैं, 30% वोट से वो जीतता है। हम दूसरों को कहते हैं ये तो बीजेपी के हैं, 70% वोट हमने बीजेपी की झोली में डाल दी। ये हमें सोचनी है, बात बड़ी गंभीर था, ये राजनीतिक परिवर्तन हमें पहचानना है। इस चुनाव में जनपद के, जिला परिषद के, हमारे नगर निकाय के, बीजेपी ने नंगा नाच किया कि वो जानते हैं उनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। आपका मुकाबला बीजेपी से नहीं था, आपका मुकाबला उनके पुलिस, पैसे और प्रशासन से भी था, और सब प्रशासनिक अधिकारी जानते हैं कि 11 महीने में क्या होने वाला है। उनकी पत्री भी हम लिख रहे हैं, ये नहीं कि हम भूल जाएंगे, वो पत्री आप लिखेंगे, मैं आपसे मंगाऊंगा उनकी रिपोर्ट, ये आज आवश्यकता है। और हमने चुनाव की तैयारी में प्रभारी सह प्रभारी बनाए, उनसे मिलकर कैसे अपना संगठन मजबूत हो। बहुत सारी दफे ये होता है हम इससे बात नहीं कर सकते, प्रभारी को बोलिए जरा उसको भी पटा लो, तो ये होती है बातें। हमें स्थानीय रणनीति बनानी है, हर वार्ड की रणनीति एक नहीं होती, हर नगर पालिका, नगर परिषद की
की रणनीति एक नहीं होती, अलग अलग होती है। ये तो स्थानीय लेवल पर आपको बनानी है। आपको स्थानीय लेवल पर हमारा वचन पत्र बना रहे, उसके पॉइंट्स भेजिए। हम प्रदेश का वचन पत्र बना रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि जगह जगह हमारा वचन पत्र बने, आरोप पत्र बने। गोविंद सिंह जी आरोप पत्र बना रहे हैं, हर जगह मसले हो रहे हैं। आज हर वर्ग त्रस्त है, हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो, भटकता हुआ नौजवान हो, जो सबसे बड़ी चुनौती है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान जो पढ़ लिख लिया, वो ना गांव का रहा ना शहर का रहा, बेरोजगार भटक रहा है। और यही निर्माण करेगा मध्य प्रदेश का भविष्य में। अगर हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश का। चुनौती हमारे सामने हमारे देश की संस्कृति बचाने की है। केवल कांग्रेस जीते कमलनाथ बने ये चुनौती नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है हम अपने देश की संस्कृति की रक्षा करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, ऐसा संविधान जो विश्व में मशहूर है, ऐसा संविधान और ऐसे देश में जहां इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, इतने धर्म है, इतनी जातियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हैं, जहां इतने त्योहार हैं। ये आज जब हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं, ये हमारी संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ते जोड़ने की, ये हमारी संस्कृति। और इसी संस्कृति की रक्षा के लिए 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। विकास के मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे होंगे, पर सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि किस तरह आज समाज को बांटने का ये प्रयास किया जा रहा है, ये किस तरह श्रेय लेना चाहते हैं। महाकाल का मोदी जी आए थे, मुझे खुशी है कि ये आगे बढ़ा। अब ये तो इनकी आदत है, इवेंट मैनेजमेंट और श्रेय लो, बच्चा किसी के अंत होता है मिठाई ये बांटते हैं। ये इसके बाद तो मोदी जी को ले आए मिठाई बांटते हैं। तो मैं तो आपसे अंत में एक बात कहना चाहता हूं, बहुत आवश्यक है वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट के काम में लग जाइए। कैसे इन्होंने वोटर लिस्ट में हेराफेरी करी, इनका क्या भ्रष्टाचार है, 18 साल का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की एक व्यवस्था बना ली पूरे प्रदेश में, पंचायत से लेके वार्ड से लेके मंत्रालय तक इन्होंने भ्रष्टाचार। और नारा है, पैसे दो हम आपको धंधा देंगे, धंधा देते हैं पैसे दो। ये आज प्रदेश की हाल है, ये तस्वीर सबके सामने है। और आपको अपना सिर झुकाना नहीं, आपको माफी नहीं मांगनी। हमारा कार्यकाल रहा 15 महीनों का, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए। कांग्रेस ने अपने नीति और नियत का परिचय दिया, इसलिए आपको सिर नहीं झुकाना। आप तो छाती ठोक के कह सकते हो कि हमारे कार्यकाल में ये हमारी नीति थी, ये हमारी नियत थी, ये हमने शुरू किया था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि इतना समय नहीं है। पर यह मैं कहता हूं कि आज का राजनीतिक परिवर्तन जो है, सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया में अपने साथी को भेजने में कोई फायदा नहीं है। चुनाव जीता जाता है जो खबरों की चैनल देखता है, जो खबरों का चैनल देखता है उनसे भी जीता जाता है, जो मनोरंजन के चैनल देखता है वो लोग चुनाव जिताते हैं और हराते हैं, ये याद रखिएगा। उनसे आप कैसे जुड़ेंगे, ये सब आपको सोचना है। आपको अपनी रणनीति बनानी है और 11 महीने के लिए अपनी डायरी बना लेनी है कि इस हफ्ते हम ये करेंगे, इस हफ्ते हम त्यौहार मनाएंगे, इस हफ्ते हम वार्ड में जाएंगे, इस हफ्ते हमारा ये कार्यक्रम होगा। आपका महापौर आपके द्वार, आपका पार्षद आपके द्वार, आपका प्रत्याशी आपके द्वार, डायरी में बनाइए अपना कार्यक्रम। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक नए तरीके से अब प्रचार शुरू करेंगे। पहले हम मानते थे व्यापारी वर्ग,
कांग्रेस के खिलाफ है। व्यापारी वर्ग से हमारा कोई संबंध नहीं। व्यापारी वर्ग मुझे आके कहते हैं हम तो कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं, हम तो दुखी हैं, पर हम व्यापारी वर्ग से नहीं जुड़े। मैं जब गया था कई जगह चुनाव प्रचार में, मैंने व्यापारी वर्ग से बैठक करी, और चुनाव के बाद खास करके मैं रीवा की बात कर रहा हूं, व्यापारी वर्ग मेरे पास आए, कहते हमने आपको चुनाव जिताया, आप हमारे बूथ देख लीजिए। हम व्यापारी वर्ग को पर ध्यान नहीं देते, मान लेते हैं ये बीजेपी का है, तो हमें हर वर्ग को जोड़ना है। कैसे हर वर्ग को जोड़ेंगे ये आपके हाथ में, ये आपका कार्यक्रम है। और मैं तो अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरा आप सब पर पूरा विश्वास है, अगर आप आराम करना चाहते हैं बता दीजिए, मैं भी आराम कर लूंगा, और मेरा पूरा भरोसा, मेरा पूरा विश्वास, कांग्रेस का पूरा भरोसा आपकी निष्ठा पर है। आपकी निष्ठा जो आपको आज यहाँ खींच के लाई है, ये निष्ठा का सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अगले 11 महीने में है। मुझे विश्वास है कि आप सबने अगर ये संकल्प ले लिया तो 2023 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।